Good morning, friends. Till now we have understood that there are two components of capital market, that is primary market and secondary market. In the last video you have learned about the primary market. Now today we will study secondary market. Secondary market refers to a market for sale and purchase of previously issued securities. सिक्योरिटीज जब भी फर्स्ट टाइम कोई कंपनी इश्यू करती है तो वह प्राइमरी मार्केट होता है जिसमें कंपनी से डायरेक्टली यह सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स को सेल होती है। लेकिन जब यह सिक्योरिटीज इन्वेस्टर के पास आ जाती है और एक इन्वेस्टर अपनी यह सिक्योरिटी दूसरे इन्वेस्टर को सेल करना चाहता है तो वह हो जाता है सेकेंडरी मार्केट। मेन सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का इन्वॉल्वमेंट हुए बिना ही यह सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग पॉसिबल होती है। It is also known as stock market or stock exchange. इन securities की trading stock exchange के कारण ही possible होती है, इसीलिए हम इसे stock market या stock exchange भी कहते हैं। This investment, मान लीजिए मेरे पास किसी company के 100 shares हैं, यह shares मैंने sell कर दिए, अब इससे जो funds मुझे generate हुए हैं, उसे हम कहेंगे disinvestment. अब इसी फंड्स को यदि मैं किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज करने में इन्वेस्ट कर देती हूँ तो उसे कहेंगे री इन्वेस्टमेंट। फ्रेश इन्वेस्टर्स एंटर द मार्केट, इस बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजेक्शन में कोई भी इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो सकता है। सो फ्रेश इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो अलाउड, दे आर इन्वाइटेड इन स्टॉक मार्केट। लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी इज पॉसिबल, हम इजीली अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लिक्विडिटी इज पॉसिबल। मार्केटेबिलिटी, हमें अपने शेयर्स के लिए आसानी से बायर और सेलर मिल जाते हैं। सो मार्केटेबिलिटी इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेकेंडरी मार्केट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल, इस स्टॉक एक्सचेंज का जितना ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है कि हमें किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट करके डिविडेंड मिलता है, कैपिटल गेन मिलता है, हमारी मनी प्रोडक्टिव यूजेस में यूज होती है, इससे हमारी इंडिविजुअल इनकम इंक्रीज होती है, नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं, मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज ऑफ सिक्योरिटीज, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए उसके डिमांड और सप्लाई फोर्सेज को कंपेयर किया जाता है। इसी तरह इन सिक्योरिटीज की डिमांड यदि इंक्रीज होती है तो प्राइस भी इंक्रीज होते हैं। थ्रू ट्रेडिंग टर्मिनल्स, ट्रेडिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज इज पॉसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम्स है, टर्मिनल्स है, जिसके कारण आप देश विदेश के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सिक्योरिटीज आर एक्सचेंज बिटवीन इन्वेस्टर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपनी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द जनरल कॉन्सेप्ट अबाउट स्टॉक एक्सचेंज और द सेकेंडरी मार्केट। नाउ वी स्टार्ट विद स्टॉक एक्सचेंज। According to Securities Contract Regulation Act 1956, stock exchange refers to an institution or body of individuals incorporated or not. इसका मतलब stock exchange एक institution हो सकता है या यह कुछ individuals की body यानी association हो सकता है, कुछ institutions का association हो सकता है। इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, यानी यह स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड हो सकता है या फिर अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। इस स्टॉक एक्सचेंज का पर्पज होता है कि वह फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग यानी ट्रेडिंग को असिस्ट करे, हेल्प करे, रेगुलेट करे, उसमें डीलिंग कैसे होगी या फाइनलाइज करे, इन ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करे ताकि इन्वेस्टर्स, सेवर सभी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। नाउ वी सी लिस्ट ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। द फर्स्ट टू स्टॉक एक्सचेंजेस आर वेरी फेमस। द फर्स्ट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स इंडेक्स इज सेंसेक्स। The second is National Stock Exchange and its index is Nifty. यह दो नाम आपने बहुत बार सुने होंगे। The third is Calcutta Stock Exchange.
Fourth is India International Exchange, INX. INX is wholly owned subsidiary of Bombay Stock Exchange. Then NSE IFSC Limited. It is also wholly owned subsidiary of NSE. IFSC. The full form is International Financial Services Center. इसके अलावा 20 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी के नॉर्म्स के कारण इस बिजनेस से एग्जिट कर दिया है. नाउ वी लर्न फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. द फर्स्ट फंक्शन इज प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. स्टॉक एक्सचेंज के कारण हम अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को आसानी से सेल कर सकते हैं, जब चाहे परचेज कर सकते हैं. सो स्टॉक एक्सचेंज provides liquidity and marketability for the existing securities. The second is pricing of securities. जैसे किसी भी product या service का price decide करने के लिए या change करने के लिए उसके demand और supply forces को compare किया जाता है. इसी तरह stock exchange भी time to time securities के prices का valuation करती है, उसमें जो fluctuations होते हैं वह बताती है. इसके लिए वह डिमांड और सप्लाई फोर्सेस को कंपेयर करती है. जैसे यदि कोई कंपनी प्रॉफिट में है तो उसके शेयर्स की डिमांड इंक्रीज होगी, इसलिए प्राइस भी इंक्रीज होगा. यदि कोई कंपनी लॉस में है तो उसके शेयर्स की डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होगा. अब इन सिक्योरिटीज़ का वैल्यूएशन गवर्नमेंट, इन्वेस्टर और क्रेडिटर तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Government imposes tax on the valuation of securities. Investor is interested in dividend and capital gain. उसे जब उसकी securities का rate increase होता है तो उसके investment का valuation increase हो जाता है. Creditors are interested to know whether they will get the regular interest and the principal back or not. So this pricing of security is very important for everybody. द थर्ड इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स. अब किसी भी कंपनी को यदि अपने शेयर्स लिस्ट करवाना है, इशू करने के लिए उन्हें अपने शेयर्स लिस्ट करने होते हैं, और लिस्टिंग के बाद भी कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं. सो द डीलिंग इन सिक्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज वेरी सेफ. द फोर्थ इज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. अब जब हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें डिविडेंड मिलता है, कैपिटल गेन मिलता है, यानी इंडिविजुअल इनकम इंक्रीज होती है जिससे नेशनल इनकम भी इंक्रीज होती है. गवर्नमेंट को इस इनकम पर टैक्स मिलता है तो गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज होती है. मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द स्टॉक एक्सचेंज इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. So we say stock exchange is the mirror of economic condition of any country. It is the pulse of economy. The fifth is spreading of equity cult. पहले public अपनी savings safe options में invest करती थी, जैसे saving account, recurring deposit account, fixed deposit account. लेकिन अब इन deposits पर interest rate बहुत कम हो गया है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज के कारण आपको सिक्योरिटीज पर लिक्विडिटी मिलती है, सेफ ट्रांजेक्शन पॉसिबल है. सो वी पब्लिक आर डाइवर्टेड टूवर्ड्स द स्टॉक एक्सचेंज टू गेट मोर रिटर्न्स आउट ऑफ इट. सो द ट्रेंड इज चेंजिंग. इसके साथ ही स्टॉक एक्सचेंज आपको प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस बताता है, स्टॉक मार्केट की टाइमली इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है. सो द स्प्रेड ऑफ इक्विटी कल्ट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. नाउ द सिक्स्थ इज प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन. स्टॉक एक्सचेंज कुछ एक्सटेंट तक स्पेकुलेशन भी अलाउड करता है ताकि स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी और कंटिन्यूटी बनी रहे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.